जय भीम साथियों, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने अपनी फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के पोस्टर पर दलितों के अभद्र चित्रण पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैडम चीफ मिनिस्टर के पोस्टर की काफ़ी आलोचना हुई थी। एक दलित मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री को फटे पुराने कपड़े और झाड़ू के साथ दिखाने पर रिचा चड्ढा ने अब कहा है कि ये फिल्म मेरे लिए, हम सभी के लिए अनुभवी सीख रही है। मूवी का प्रमोशन भी कुछ ऐसा ही था। पहला पोस्टर जो जारी किया गया था, उसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जो कि ठीक बात है, जो मेरे और मेरी तरह विशेषाधिकार प्राप्त आँखों के लिए एक दृश्य में मेरे चरित्र द्वारा इस्तेमाल किया गया एकमात्र सामान ही था। वो कई सारे लोगों के लिए दलितों के रूढ़िवादी चित्रण के रूप में सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। फिल्म प्रचार के चीज़ों के डिज़ाइन में मेरी कोई भूमिका नहीं है, पर यह कहकर मैं निर्माताओं पर सारा इल्ज़ाम नहीं डालूंगी। उन्हें इस अनजाने में हुई गलती का एहसास हुआ और इस आलोचना को उन्होंने मान लिया। उन्होंने आपत्तिजनक पोस्टर को वापस लेते हुए तुरंत जवाब दिया और अगले दिन एक नया पोस्टर जारी किया। ये एक खेदजनक और पूरी तरह से अनजाने में हुए गलती थी, ना कि जानबूझकर करी गई हो। हमें खेद है, हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। उम्मीद है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप इसे खुद ही जान लेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट में आगे ये भी कहा है कि हमने इस फिल्म को प्यार से बनाया है, जैसे कि हम इस कहानी को बताने के लिए एक मिशन पर थे। कहानी की नायिका तारा एक दृढ़ निश्चयी महिला है, जो पितृसत्ता, जाति उत्पीड़न और क्रूर हिंसा के साथ साथ राजनीति के सामान्य विश्वासघात से लड़कर शिखर पर पहुंचती है और परिवर्तन लाती है। वह अविश्वसनीय गरिमा और साहस के साथ ऐसा कर पाती है। मैं उसके उचित क्रोध से, उचित रोष से जुड़ पाई हूँ। उससे मुझसे बात की है। जैसे जैसे फिल्म रिलीज होती जा रही है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे तारा को अलविदा कहना है। मैं इस बात से भी वाकिफ हूँ कि वह कभी भी पूरी तरह से मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। इस पहले पोस्टर पर कहा गया था कि सवर्णों की जो अपर कास्ट पूर्वग्रह युक्त नज़रिया है, वह दलितों को केवल एक तरीके से देखता है, सूट बूट मॉडर्न कपड़ों में नहीं। बहुत सारे अम्बेडकराइट्स ने भी सोशल मीडिया पर इस पर आवाज़ उठाई थी, इसकी कड़ी आलोचना करी थी, जमकर आलोचना की थी। हमने भी इस पर वीडियो बनाया था। हम यही कहेंगे कि चलिए रिचा चड्ढा दे राय, दुरुस्त आए। सवर्णों को सुनने की ज़रूरत है, अपने पूर्वाग्रहों पर काम करने की ज़रूरत है। ये अम्बेडकराइट्स के भी सोशल मीडिया पर प्रेशर ग्रुप को दिखाता है कि कैसे सवर्णों के लिए आलोचना सुनना और आत्मनिरीक्षण करना बेहद ज़रूरी है, और यही भारतीय लोकतंत्र है। पर ये दूसरा पोस्टर काफ़ी बेहतर दिख रहा है हमें, जो एक मुख्यमंत्री को फॉर्मल ड्रेस में साइकिल पर सिक्योरिटी के साथ दिखा रहा है। इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी कुछ स्तर तक आधारित है। तो हम ये भी आशा करते हैं कि भविष्य में कोई दलित व्यक्ति ही, दलित एक्टर ही बॉलीवुड फिल्म में एक दलित किरदार निभाएगा, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, खासकर सवर्ण लोगों को ज़रूर दिखाइए कैसे उन्हें सुनने की और आत्मनिरीक्षण करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात बेहद ज़रूरी है उनके लिए भी। तो ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही दलित बहुजन समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम ट्विटर और फेसबुक पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप चाहे तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों।